हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे सीयर रेडिएशन टेस्ट के बारे में। तो चलिए सीखते हैं फ्रेंड्स। सीयर रेडिएशन टेस्ट के लिए सबसे पहले स्पेसिमेन रेडी करते हैं। ए स्पेसिमेन है हमारा, इसकी लेंथ 100 mm है और वेट 25 mm है। लेड रबर शीट के ऊपर एडेसिव लगा के, एराडाइड एडेसिव लगा के फैब्रिक प्लाई चिपकाई गई है। इसी को स्ट्रेच करके इसका रेडिएशन टेस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। थोड़ा सा इसको स्ट्रेच कर लिए हैं जिससे कि हम इसको टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में क्लैंप कर सके। ठीक है, अब इसको क्लैंप करेंगे। स्ट्रेच आउट हुए पोर्शन को टेंसाइल टेस्टिंग मशीन में इस तरीके से कुछ क्लैंप करते हैं। क्लैंप करने के बाद फिर इस पर लोड देंगे। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड IS 7352-1974 के अकॉर्डिंग इसको 1.5 kg का लोड वियर करना है। इसका जो एडेशन स्ट्रेंथ होगा 1.5 kg के अबव ही आना चाहिए। तो अभी टेस्ट करके देखेंगे कितना आता है। अगर 1.5 kg के अबव है तो इस टेस्ट में पास है एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड, नहीं तो फेल है। इस पर अब लोड देंगे। लोड देने पे देखिए कैसे स्ट्रेच आउट हो रहा है। नीचे वाली जो लेयर है ब्लू कलर की वो फैब्रिक प्लाई है और पीछे वाली जो ब्लैक कलर की लेयर है वो है लेड रबर सीट और बीच में एडेसिव लगा था, एराडाइड लगाए थे। और इसी तरीके से सीयर एडेशन स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, जब डिफरेंट टाइप के मटेरियल की बॉन्डिंग की जाती है तो उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे एडेशन फोर्स कहते हैं, और सेम टाइप के मटेरियल की बॉन्डिंग जब की जाती है उनके बीच जो फोर्स लगता है उसे कोहेशन फोर्स कहते हैं। स्पेसिमेन का सीयर एडेशन स्ट्रेंथ 1.63 kg आया है। थैंक यू।